जब से हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रिंसिपल ओएसडी के भ्रष्टाचार के काले चिट्ठों का खुलासा किया है, तब से उनके आसपास के लोगों में एक अजीब सी तिलमिलाहट है, परेशानी है। तब से मुख्यमंत्री कार्यालय में बौखलाहट है। कुछ न कुछ कारण ढूंढ रहे, तरीका ढूंढ रहे हम पे कुछ दोष मढ़ने का, हम पे कुछ आरोप लगाने का। लेकिन आरोप लगाया भी तो क्या, आरोप ये लगा रहे हैं कि हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं कि सूरजमुखी पर एमएसपी मांग रहे हैं किसान, तो हम उस मांग के साथ खड़े हैं, अनुराग ढांडा उस मांग के साथ खड़ा है। तो मैं तो स्वीकार करता हूं आपके इस आरोप को, क्यों नहीं खड़े हो? किसान और मजदूर से आपका प्रदेश और देश चलता है मुख्यमंत्री जी। अगर आप इनके साथ नहीं खड़े, इसका मतलब आप प्रदेश के साथ नहीं खड़े हैं, इसका मतलब आप देश के साथ नहीं खड़े हैं, इसका मतलब आप अपने प्रदेश से, अपने काम से गद्दारी कर रहे हैं। सीधे तौर पे किसानों की समस्याओं को सुनिए, उनसे सामने बैठ के बातचीत कीजिए। वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं शौक से, इस गर्मी में, इस लू में सड़क के ऊपर कोई शौक से नहीं बैठता है। अगर आपको ऐसा लगता हो तो आइए आधे घंटे के लिए बैठिए किसानों के साथ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उनकी सारी समस्याएं दिखने लगेंगी। वो मजबूरी में बैठे हैं, वो दर्द में बैठे हैं, और क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन की वजह से, किसानों की वजह से गरीब आदमी परेशान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, गरीब आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि आपने उसको लाइनों में लगा रखा है, परिवार पहचान पत्र के नाम पे इतना बड़ा घोटाला करके आपने उनको लाइनों में लगा दिया है। गरीब इसलिए परेशान है क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं पा पा रहे हैं। गरीब अपने अस्पताल अच्छे नहीं है इसलिए परेशान है। गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं है आपकी, उनका जीवन सुधर सके, इसलिए गरीब परेशान है। क्या कह रहे हैं? इस आंदोलन की वजह से, किसानों की वजह से महिलाएं परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी, महिलाएं इसलिए परेशान हैं क्योंकि महिला उत्पीड़न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर। संदीप सिंह को आपने मंत्री बना के बिठाया हुआ है जिसके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कर्मचारी परेशान होंगे, आने जाने में दिक्कत होगी। मुख्यमंत्री जी, कर्मचारी आपके राज में इसलिए परेशान है क्योंकि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को तैयार नहीं है, आप उनकी जायज मांगे भी सुनने को तैयार नहीं है। और क्या कह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि युवा परेशान है। मुख्यमंत्री जी, युवा इसलिए परेशान है क्योंकि बेरोजगारी में आपने हरियाणा को नंबर वन बना दिया है, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई के नाम में क्वालिफाई है, लेकिन उसके बावजूद आपने उसका नेचर बदल दिया, क्वालिफाइंग नेचर नहीं रखा। सीईटी क्वालिफाई करने के बावजूद आप उनको नौकरियों के लिए जो इंटरव्यू हो रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं, उसके अंदर बैठने नहीं दे रहे, इसलिए युवा परेशान है। और आप लोगों की तो आदत है, किसानों को मोदी जी ने एक साल तक सड़क पे बिठा के रखा अपने अहंकार की वजह से, आप भी तो उन्हीं के चेले हो। लेकिन अच्छा लगता अगर यही सब बातें आप सामने कैमरे पे आके कहते, अपने चेले चपाटों से नहीं कहलवाते। अगर आप में दम है, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, तो इन किसानों की समस्याओं का, इन किसानों का सामना कीजिए, इनसे बात कीजिए सामने बैठ के। आप सरपंचों से बात नहीं करते हैं, आप कर्मचारियों से बात नहीं करते हैं, आप किसानों से बात नहीं करते हैं, आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? अहंकार छोड़िए, एक साल से कुछ ज्यादा वक्त बचा है आपका, राजधर्म निभाइए। इस एक साल में ही सही, कम से कम इंसान को इंसान समझिए, उनकी समस्याएं सामने बैठ के सुनिए, उनका समाधान निकालिए, लोग आपको कुछ अच्छे के लिए याद कर सकें। वरना जो आज के दिन में हालात है, लोग आपको बहुत ही बुरे तरीके से आपका कार्यकाल समाप्त होने के बाद याद करेंगे। मुझे लगता है कि भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे और आप इन किसानों से चर्चा करके, बात करके इनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे।